हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय किचन। आज मैं कोई रेसिपी लेकर नहीं आई हूँ, आज मैं आप सभी के क्वेश्चंस के आंसर देने आई हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि मैम, आप कैसे मास्टर शेफ ऑडिशंस के लिए गए थे और आपने खुद को कैसे प्रिपेयर किया? तो मास्टर शेफ के लिए हर कोई हम लोग फॉलो करते हैं मास्टर शेफ, जिसको कुकिंग में इंटरेस्ट है। तो मैं भी बहुत पहले से फॉलो करती हुई आई थी, यानी कि पहले सीजन से ही मैंने देखा है। तो मुझे पता चला था टीवी के थ्रू, और क्योंकि सोशल मीडिया में हम थोड़े एक्टिव थे तो हमें कॉल आया था कि मास्टर शेफ्स के ऑडिशंस होने वाले हैं गुवाहाटी में, आप ऑडिशन दे दो। सबसे पहले तो मैंने सोचा था कि कोई फ्रॉड है जो मुझे चिढ़ा रहा है मास्टर शेफ के नाम पे, लेकिन बाद में रियलाइज हुआ नहीं, ये सच ही था। तो गुवाहाटी में पहला ऑडिशन, छोटे छोटे शहरों में साइलेंट ऑडिशंस होते हैं, उसके बाद अगर आप सिलेक्ट करते हो तो नेक्स्ट राउंड के लिए फिर आपको मेट्रोज में बुलाया जाता है, चार मेट्रोज में, जैसे कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद या बेंगलोर, ऐसे कहीं पर। तो मेरे साथ वही हुआ, पहले अप्लाई करा गुवाहाटी ऑडिशन के बाद, फिर उसके बाद कोलकाता। वो लोग आप सभी, आप लोगों को गाइड करते हैं कब कैसे कहाँ जाना है, क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, तो उस चीज का कोई फिकर करने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, मैंने अपने आप को कैसे तैयार किया। मैं एक होम शेफ हूँ, मैंने कभी भी कोई कुकिंग का क्लास नहीं किया है कहीं से, मैंने वैसे शिक्षा हासिल नहीं की है कुकिंग रिलेटेड, तो मैं इंटरनेट से सीखती हूँ जैसे कि सबको पता है। तो आप सब भी कहीं पर ऐसे कॉम्पिटिशन्स में जाने से पहले सबसे पहला चीज होता है, आप मेंटली प्रिपेयर होके जाइए कि आपके सामने ऐसा बहुत कुछ चीज आने आ सकता है जो आप पहचानते नहीं हो, जिसको आपने कभी टेस्ट नहीं किया है, और पॉसिबल भी नहीं है कि आप दुनिया की हर चीज आपने टेस्ट करी हो। तो उस वक्त आपका दिमाग बहुत शांत रहना चाहिए, एक हिम्मत, एक परिश्रम करने की ताकत रहनी चाहिए। तो अपने आप को वैसे आप प्रिपेयर करो, और सबसे पहला चीज है मेंटली प्रिपेयर करना। दूसरा चीज है टाइम मैनेजमेंट। आप, हम लोग घर पे बहुत जल्दबाजी में खाना बनाते हैं, कभी बहुत जल्दी होती है, किसी को ऑफिस जाना होता है, किसी को स्कूल जाना होता है, तो वो चीज हमें ऑलरेडी है। तो वैसे ही टाइम मैनेजमेंट हमें मास्टर शेफ किचन में करना पड़ता है, कटिंग चॉपिंग से लेके सब कुछ एक घंटे में। और जैसे कि बहुत लोग बोलते हैं कि मैम शायद एक घंटे से ज्यादा देते हैं या क्या, देखिए ऐसा कुछ नहीं होता है, जैसा एक घंटा बोला जाता है वैसा ही टाइम मिलता है, उसी में आपको कटिंग चॉपिंग, पेंट्री पिकअप से लेके सब कुछ आपको करना होगा। उस चीज के लिए आप लोग प्रिपेयर होके जाइए, ऐसा मत सोचिए कि कब हमें टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो टाइम मैनेजमेंट आपको आना पड़ेगा ही। तीसरी बात, थोड़े बहुत कुजिन्स के बारे में पढ़िए, बाहर के कुजिन्स के बारे में भी पढ़िए, अपनी चीजों के बारे में भी जान के जाइए, और कुछ भी बनाओ आप, कुछ भी बनाओ उस चीज को लेके आप कॉन्फिडेंट हो। वो चीज मैंने वहां पर सीखी है, शेफ रणबीर से मैंने सीखा है कि अपनी चीज को ओन करो, और अपना जो आप खाना बनाकर लेकर जाओगे उसके पीछे एक स्टोरी, एक क्यों आप उस चीज के साथ कनेक्ट कर पाए, क्यों आपने, क्या सोच है उस चीज के पीछे। तो वो चीज मेरे लिए बहुत काम कर गई है, और मैं चाहती हूँ कि आप सभी भी वो चीज लेकर जाओ और बहुत अच्छे से कम्पीट करो, और मुझे पता है कि आप सभी के भी सपने मेरे जैसे पूरा होने वाला है। तो आते हैं नंबर टू क्वेश्चन पर। बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि मैम अब आप क्या करने वाले हो, यानी कि आपकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है। देखिए बहुत ज्यादा मैं प्लान नहीं करती हूँ, मैं गो विद द फ्लो, वो उस चीज को मैं मानती हूँ, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत जरूरी है प्लानिंग करना, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं करती हूँ कि कट टू कट, बैक टू बैक मुझे ये करना है। जैसे मुझे, मैंने बहुत बार कहा है कि मुझे एसएमएस खाने को आगे लेकर जाना है, उसी चीज को मैं फॉलो करूंगी अपने यूट्यूब के जरिए, और अगर कोई मुझे बाहर के रेस्टोरेंट्स में मुझे मौका मिलता है कि मैं अपना एसएमएस खाना दिखाऊं, ट्रेडिशनल खाना सर्व करूं, कोई अगर इंटरेस्टेड है कि टेस्ट करना चाहते हैं, तो मैं पॉपअप्स के लिए एकदम तैयार हूँ। मैं सीखना चाहती हूँ, बहुत कुछ सीखने के लिए बाकी है अभी, और मैं अपना एक रेसिपी बुक पर्सनली मैं चाहती हूँ कि मैं खुद का बनाऊँ, जो कि एक
आपका रह जाता है, आप बुक लिखते हो तो वो जिंदगी भर के लिए वो आपके साथ रह जाता है, एक याद रह जाती है। और मैं चाहती हूँ कि मेरे वो मास्टर शेफ जर्नी के वो मेमोरेबल दिन, वो चीजें कैसे सीखा, क्या हुआ, किस वक्त कैसा फीलिंग था, सब कुछ को इकट्ठा करके एक मैं बुक लिखूं। तो आप सबकी ब्लेसिंग्स होंगी तो जरूर मैं उस चीज में कामयाब होंगी। और एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन कि मैम आप रेस्टोरेंट कब खोल रहे हो? देखो, रेस्टोरेंट खोलना इतनी आसान बात नहीं है मेरे लिए। मुझे भी मन है कि एक रेस्टोरेंट खोलूं जहां पर मैं प्योर अपना एसएमएस खाना रखूं, बाकी मेरे फ्यूजन रेसिपीज भी रखूं, कुछ इनोवेटिव चीज़ें रखूं, और आप लोग जब भी आसाम में आए तो मेरे रेस्टोरेंट में आप लोग कोई विजिट करे, देखे, एसएमएस कल्चर को देखें, सीखें। तो लेकिन हाँ, बहुत ये इतना आसान नहीं है। अभी मैं नहीं कह सकती हूँ कि कब ये चीज, ये सपना मेरा पूरा होगा। जरूर पूरा होगा, जैसे मेरा मास्टर शेफ का सपना पूरा होगा हुआ, वैसे ही ये भी सपना पूरा होगा। मैं बस होप कर सकती हूँ, लेकिन हाँ कब होगा ये मैं नहीं बता सकती हूँ। लेकिन फिलहाल अगर कोई आप लोग आते हो आसाम, अगर आपको मिलना है मुझसे, मेरे हाथ का खाना है तो मैं हमेशा तैयार हूँ। मेरे घर की दरवाजा खुला है, आप लोग आ सकते हो। तो आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन पूछा है एक 14 साल के बच्चे ने, जो पूछते हैं कि मैम मैं पहले तो ये कह रहे हैं कि मैं आपसे बहुत इंस्पायर होता हूँ। थैंक यू सो मच, मुझे अच्छा लगता है मैं किसी को इंस्पायर कर पा रही हूँ। और वो पूछते हैं कि आप इतनी इंस्पायर्ड डिशेस कैसे बना लेते हो, कैसे आपकी डिशेस इतना इंस्पायर्ड होती है? तो मुझे लगता है मैं दिल से कुकिंग करती हूँ, मतलब मैं अपना मन प्राण ध्यान सारा कुछ कुकिंग में डाल देती हूँ, और शायद वही चीज़ मेरे खाने में भी झलकता है, मेरी वो पॉजिटिविटी खाने में झलकता है। तो मुझे लगता है शायद वही चीज़ है जिसके वजह से मेरे खाने में वो आपको इंस्पिरेशन मिलती है। थैंक यू सो मच ये कहने के लिए कि आप मेरे से इंस्पायर होते हो, एंड विश यू ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू। तो अब आते हैं नंबर 4 क्वेश्चन पे। ये कहते हैं कि आपको मैम फूड ब्लॉगिंग और डेली ब्लॉग्स ऐसा, और कुकिंग का ब्लॉग्स डेली देना चाहिए। तो मैं कहना चाहती हूँ कि मैं भी चाहती हूँ कि मैं ब्लॉगिंग करूँ, लेकिन सच में कहती हूँ मेरे को आता नहीं इतना, मतलब टाइम भी नहीं मिलता है एक तो, और दूसरी बात ये है ये कैमरा लेके ऐसे बोलना, पता नहीं इन फ्यूचर शायद मैं करूँ। थोड़ा बहुत मैंने ट्रेवल ब्लॉगिंग शुरू किया था बहुत पहले, वो एक था, कुछ कुछ करने का मन था तो किया था मैंने, लेकिन फिलहाल इतना कम मुझे टाइम मिलता है इन सब चीज़ों के लिए। वीडियोज़ भी मैं एक या दो ही इंस्टा पे पोस्ट कर पाती हूँ वीकली। तो मैं चाहती हूँ इन फ्यूचर मैं करूँ, लेकिन पता नहीं कब होगा। थोड़ा अच्छे से टाइम मिलेगा तो मैं जरूर करना चाहूंगी, और थैंक यू फॉर द सजेशंस। अब आते हैं नंबर 5 पे। ये लिखते हैं कि मैम क्या आप हमें कोई सरप्राइज देने वाले हो, कोई नई डिश आपने एक्सपेरिमेंट किया है? नई डिश नहीं कहूंगी, ऐसा नहीं है कि कोई इनोवेशन मैं कर रही हूँ, दिमाग में है कुछ कुछ चीजें, लेकिन अभी निकालने के लिए मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि अभी मैं कुछ ब्रांड्स के साथ काम कर रही हूँ, ब्रांड्स के आते हैं प्रमोशन वाले वीडियोस कर रही हूँ। तो क्योंकि मुझे अपना वो भी देखना होगा कि फाइनेंशियली मैं कितना काम कर पाऊँ, फिलहाल काम करने का वक्त है, वो भी कर रही हूँ, घर संभाल रही हूँ, इवेंट्स बहुत अटेंड कर रही हूँ। यहाँ पर एक चीज़ है कि मेरे यहाँ पर मुझे बहुत जगह पर बुला रहे हैं, और अच्छा लग रहा है, लेडीज़ के कुछ प्रोग्राम्स हो रहे हैं वहाँ पर बुला रहा है, बहुत बड़े बड़े शोज में मुझे बुला रहे हैं, मुझे बहुत सीखने को मिल रहा है। तो ज़रूर हाँ सरप्राइज होगा इन फ्यूचर आप सभी के लिए। कोई अगर नई रेसिपी ट्राई करती हूँ तो ज़रूर मैं पोस्ट करूँगी और सिखाऊंगी भी आप सभी को। लेकिन हाँ, इस चीज के लिए आप सभी को मेरे साथ बनकर रहना होगा, मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा।